न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कनीना गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जहां प्रशासन बुरी तरह सकते में है, वहीं नेताओं की एक ही आवाज है कि दोषियों को तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर के रेवाड़ी अस्पताल में पीड़िता का हाल जानने के लिए पहुंचे पूर्व जिला प्रमुख एवं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सतीश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है और फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस मामले में एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि 20 दिन के अंदर सख्त से सख्त सजा दोषियों को दिलाई जाए। वहीं समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी और जहां तक इस मामले में देरी का सवाल है तो यह हमारी एक तरह से कमजोरी कही जा सकती है। सरकार और कानून से अब काम नहीं चलेगा, हर किसी को इस मामले में जागने की जरूरत है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ के साथ सरकार से एक अपील जरूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि तुरंत दोषी गिरफ्तार होने चाहिए जो दुनिया की किसी कोने में छुपे हुए, और साथ ही साथ सरकार इसको केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाए और नारनौल कोर्ट, क्योंकि कनीना ये FIR दर्ज हुई है तो नारनौल कोर्ट में केस चलेगा और वहाँ एक उदाहरण पेश करे नारनौल जो जिला कोर्ट है। पिछले दिनों हमने पढ़ा था अखबार के माध्यम से भी, एक बच्ची के साथ इसी तरह का जघन्य कांड हुआ तो 20 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला किया, तो ये भी यहाँ उस चीज़ का उदाहरण पेश करे कि 20 की जगह 19 दिन में इन अपराधियों को सजा मिले, तुरंत पुलिस इनको गिरफ्तार करे, कोर्ट के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लेके जाए और 20 दिन से पहले पहले इनका जो इन्होंने जो कुछ किया है इनको सख्त से सख्त इतनी सजा मिले जो कि और दूसरा इसको करने के लिए 100 बार सोचे। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्या मानते? ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है और मैं जो लोग जो कोई भी है, चाहे कोई राजनीतिक है, इनके घर परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी कहना चाहूंगी ये आपके बच्चे नहीं है, और अगर मेरा खुद के बच्चे भी इस तरह काम करे तो मैं तो उसको सरेआम कह दूंगा आप ले जाओ, जो कानून अपना काम करे वो करना चाहिए। अगर हम इस तरह से इन अपराधियों को बचाते रहे तो ये अपराधी कल को हमारी बहन बेटियों वाले, हम भी सुरक्षित नहीं है। आज खाली और खाली सरकार से कानून से भी काम नहीं चलेगा, लोगों को खुद उठना पड़ेगा। आजादी कोई एक उससे नहीं मिली, जब सारा देश बात के लिए लड़ा जब जाके आजादी मिलेगी। आज आजादी से भी जो अंग्रेजों का समय था उससे भी बुरा समय आ गया। आज हमारी बहन बेटियां गांव में, पहले ये माहौल था 5-7 गांव की अड़ोस पड़ोस की अगर कोई बेटी होती थी तो हम उसको अपनी बहन बेटी मानते थे, कहीं रास्ते में मिल जाती उसका रुपया देली हाथ पर रखते थे। आज गांव की बेटी के साथ, अपने खुद की घर की बेटी के साथ अगर हम अपनी बहनों को भी नहीं पकस रहे तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रणाली जो दोषी है और समाज का जो ताना बाना था वो छिन्न भिन्न हो रहा है। खाली सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, चलेगा हम सबको एकजुट होकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। हम सब उनका विरोध करें, वो अपराधियों को शरण देने का प्रयास ना करे, अगर देगा तो वो दुख पाएगा, कानून भी अपना काम करेगा और कहीं ना कहीं वो जो भगवान के पास जाएगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने किस तरह के गंदे लोगों की मदद की।